नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो। तो आज हम मेरे गांव से कुछ 20 किलोमीटर दूर एक गांव कोठारा है, वहां पर हम जाने वाले हैं। तो वहां पर एक जैनिज्म का जैन तीर्थ है, तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और इसमें ट्विस्ट ये है कि हम हिचहाइकिंग के मेथड को यूज़ करके जाएंगे। तो देखते हैं अब मुझे यहाँ से मिलती है कि नहीं मिलती हिचहाइकिंग लिफ्ट। तो मैंने सुना है कि वो जो जैन तीर्थ है कुछ 150-200 साल पुराना है और बहुत ही सुंदर है, तो हम जल्दी से उसको देखते हैं। तो मुझे एक लिफ्ट तो मिल गई दोस्तों, गांव के एकदम बाहर तक आ गया हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ कोठारा, तो लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं। तो मिल जाए, फिलहाल कुछ दिख ही नहीं रहा तो फिर लिफ्ट मांगे हूँ। कोई होगा तो लिफ्ट मांगेगी, अभी कोई जा नहीं रहा, बट जल्दी से देखते हैं कोई आ जाए। कोठारा कोठारा जीबी ऑफिस, चलो जीबी तक। तो जीबी तक सेकंड लिफ्ट मिल गई दोस्तों, तो अब जा रहे हैं जीबी तक। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट वहाँ से फिल्टर हो जाएगा एक, और जो यहाँ पर पास में जो लोग जाते हैं तो वो लोग मुझे नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट कोठारे वाले लोग ही मुझे मिलेंगे। तो एक फ़िल्टर हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए मैं वहाँ तक जा रहा हूँ। तो मुझे जीबी तक तो जीवीसीएल तक तो लिफ्ट मिल गई, अब यहाँ से मैं फ़िल्टर हो गया। अभी सही एक ही रोड जाता है, मतलब पास पास में गाँव है वगैरह, बट ज़्यादातर कोठारा के ही लोग मिल जाएंगे, और खास के भी पास के गांव को भी मिलेंगे। तो फिर भी वहां से भी आगे आगे मिल जाएगा, थोड़ा सा इजी हो गया। अब देखते हैं यहां से जो मिल जाता है। कोठारा कोठारा चल, तो ये तीसरी लिफ्ट हो गई यहां से। कोठारा जाते समय बारिश शुरू हो गई थी थोड़ी थोड़ी, तो रोड भी पूरा थोड़ा थोड़ा भीग गया है, आप देख सकते हो। कोठारा गांव में पहुंच गए हैं और यहां से अब मैं पैदल जा रहा हूं जैन तीर्थ के पास, जो यहां से 1.1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर करीब है कुछ। मैं थोड़ा शॉर्टकट से ले रहा हूं, मैप में मैंने देख लिया था इसलिए। और यहां पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी काम चालू है, पहले नहीं था यहां पर ऐसा कुछ, अभी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। ये कोठारा गाँव की बाज़ार है, मेन बाज़ार। यहाँ पर ही सब बस छकड़े वगैरह टैक्सी आप यहाँ से कर सकते हो बुकिंग। और ये तालाब है यहाँ पर इस गांव का, तालाब भी बहुत सुंदर है, देख सकते हो आप। और यहाँ से एंट्री है, ये हम यहाँ से एंट्री लेंगे अंदर जाते ही। थोड़ा सा लेफ्ट जाते ही आपको छोटा सा एक और तालाब दिखाई देगा, और ये तालाब भी बहुत ही सुंदर है, और मज़ा आ गया इसको भी देखने में, तो बहुत ही सुंदर है। यहीं से आपको जिना लेके थोड़ी सी तस्वीर दिख रही होगी, यहीं से इतना, मतलब इतना बड़ा है, पूरे गुजरात में सेकंड नंबर पे आता है इसका शिखर, सबसे ऊंचा ऊंचे की श्रेणी में दूसरे नंबर पे, तो बहुत ही ऊंचा है ये। इस देरासर का निर्माण कच्छी दशा ओसवाल जैन ज्ञाति के 3 श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा करवाया गया था, उनमें श्री वेलजी मालू, श्री शिवजी नेणसी और श्री केशवजी नायक ने 1914 में इस देरासर का निर्माण करने का स्टार्ट किया गया था, और कुछ 4 साल लगे थे इसको कंप्लीट होने में, और 400 कच्ची कुशल कारीगरों ने अपनी 4 साल लगातार मेहनत के बाद इतना बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल देरासर को निर्माण किया गया है। इसके पूरे निर्माण का खर्चा तब के समय में 16 लाख कोरियों का आया था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा होती हैं 16 लाख कोरियाँ, तो ये बहुत ही महंगे बजट में इसको तैयार किया गया था। और आज के समय में तो इसकी क्या कल्पना की जा सकती है, वो आप सोच सकते हो। यात्रियों के लिए यहाँ पर जैन भोजनशाला और अतिथि गृह, इन दोनों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जहाँ से आप भोजन ले सकते हो और यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो। जैन धर्म के अंदर ऐसा होता है कि वो 5 तीर्थ
तीर्थ की यात्रा करते हैं और पांच देरासर या पांच मेन तीर्थ होते हैं उनके दर्शन करते हैं तभी उनकी यात्रा कंप्लीट मानी जाती है। तो मैं जहाँ रहता हूँ अबड़ासा तालुका में कच्छ के अंदर, तो वहाँ पर भी आसपास में पांच मेन मुख्य तीर्थ हैं, तो मैं उसको विजिट करने निकला हूँ। तो इसमें से मेरा ये दूसरा है, इससे पहले मैंने आपको एक दिखा दिया था मेरे गाँव का जैन तीर्थ, जैन देरासर, और ये दूसरा है। और आगे और हमारे तीन आएंगे लगातार, कंटिन्यू वीडियो आएंगे, तो उसके अंदर मैं पूरी अपनी ये तीर्थ यात्रा कंप्लीट करने वाला हूँ और आपको भी मैं इस वीडियो के जरिए इसका दर्शन करवाऊँगा। हम इस यात्रा को कंप्लीट करते हैं और आपको भी इस वीडियो के जरिए इस यात्रा का लाभ ले सकते हैं। तो कोठारे का तीर्थ, जैन तीर्थ मैं यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया है। क्या बताऊँ यार, बहुत ही मस्त है यार, ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आपको मैंने पूरा वीडियो में दिखाया, पूरा आप देख सकते हो, और भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बट वीडियो में तो बहुत ज़्यादा मैंने दिखा दिया, शायद आप थक गए होगे देख देख के भी। तो अभी यहाँ से मैं नेक्स्ट स्टेप है मेरा सुथरी, वहाँ पर भी एक जैन तीर्थ है तो वहाँ पर भी हमको जाना है। से कोठारे से वो भी कुछ 12-13 किलोमीटर है, तो वहाँ पर जाना है, तो वहाँ पर भी जाने के लिए वहाँ कर हिचहाइकिंग करने का कुछ सोच रहा हूँ मैं, तो हिचहाइकिंग करूँगा, तो हिचहाइकिंग करके पहुँच जाऊँगा तो अच्छी बात है, वरना फिर कुछ करना पड़ेगा जुगाड़, क्योंकि वो गाँव बहुत छोटा है तो लिफ्ट वहाँ मिलती है नहीं मिलती, गाड़ी वाड़ी जाती है नहीं जाती मालूम नहीं। तो मैं सुथरी गाँव में आ गया हूँ, मुझे लिफ्ट मिल गई थी, शायद 5 मिनट हुए होंगे इससे कम, ट्रैक्टर में मिल गई थी, बहुत धीरे चल रहा था बट पहुंच गया मैं आराम से। तो अब मैं यहाँ पे जल्दी शूट कर लेता हूँ, वैसे दोपहर का टाइम है, कुछ 2:45 बज रहे हैं, तो पता नहीं खुला होगा या बंद होगा, पर देख लेते हैं अब जो भी होगा। तो इसकी जो शूट करूँगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए,
अगर ये वीडियो पूरा देखा है तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।